हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश। मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक मशरूम। तो शुरू करते हैं बनाना। तो शुरू करते हैं पालक और मशरूम बनाना। ये मैंने 2 गुच्छी पालक ली है, इसको अच्छे से साफ़ करके इसकी कटिंग कर ली है। और 2 पैकेट ही मैंने मशरूम लिए हैं, इसको भी मैंने वॉश करके इसको 50% तक हमने इसको बॉईल कर लिया और 50% हम इसमें पकाएंगे। और मसाले के लिए हमने जो चाहिए, ये मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, थोड़ा अदरक है, एक मोटी इलायची है और 2 हरी मिर्च हैं। इसको हम मिक्सी के जार में डाल के इसका एक दरदरा सा पेस्ट रेडी करेंगे। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसको सिर्फ दरदरा ही बीट करना है। शुरू करते हैं हम बनाना। इधर गैस पे मैंने कढ़ाई रख ली है, इधर हम देसी घी डालेंगे 1½ टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून जीरा और साथ ही हम डाल देंगे ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और मोटी इलायची की जो हमने दरदरा बीट किया था वो डाल देंगे। अच्छे से हम इसको पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। लहसुन और अदरक हमारा अच्छे से भून चुका है और अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज। मैंने 2 थोड़े बड़े साइज़ के प्याज थे, मैंने वो 2 लंबे लंबे काट लिए। अगर आपके मीडियम साइज़ के हैं तो आप 3 डाल सकते हो, तो इसको भी हम डाल देंगे। अब हम प्याज को भी थोड़ा भून लेते हैं। प्याज भी हमारा पिंक हो चुका है, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को। और ये टमाटर लिए हैं मैंने, 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, इसको बीट कर लिया हमने, ये भी डाल देंगे। अब हम टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे। हमारा टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन याद रखें कि हमने पहले 2 हरी मिर्च भी डाली हुई हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1/4 ब्लैक पेपर। अच्छे से इन मसालों को मिक्स कर देंगे। दो मिनट मसालों के साथ भी हम इनको पका लेंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो भी निकल जाए। तो मसाला हमारा रेडी है, गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा कम कर दिया। अब हम इसमें पालक डाल देंगे। पालक हमने डाल दिया और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसको ढक के पालक के सॉफ्ट होने तक इसको अब हम पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम फुली रखेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं,
खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये पालक भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने बॉईल की थी मशरूम 50% वो हम इसको डाल देंगे इसमें। अब जो आधी मशरूम पकी है वो आधी इसमें पकेगी। हमने इसको अब तब तक भूनना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। इसको ऐसे ही भून लेंगे हम। देखिए पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी 5 से 7 मिनट और लगेंगे इसको, तो उतनी देर में अभी हमें और भूनना है इसको। पाँच से सात मिनट के लिए इसको और भून लेते हैं। अब पानी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये फ्रेश मलाई है, आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हो, तो ये डाल देंगे हम इसमें। 1.5 टेबल स्पून डाला मैंने ये, और कुछ अदरक के लंबे लच्छे हैं ये डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको इसका जो प्रॉपर घी छूटने तक हम इसको थोड़ा भून लेंगे, बस 5 मिनट लगेंगे। और तो देखिए हमारी सब्जी ने घी भी छोड़ दिया है, कैसे देखो इकट्ठी घूम रही है ये देखो। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, आप इसको नान के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। ये देखिए ये अब बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारा पालक और मशरूम सर्व करने के लिए रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।